नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंगौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 2027 में प्रचंड बहुमत से जीतेगी भाजपा, देखें आई इंडिया पर जिला प्रभारी नीरज सिंह का खास इंटरव्यू। और बात होगी मंत्री राकेश राठौर गुरु ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश, दिलाई शपथ। फिर बात करेंगे बक्से नहीं जाएंगे अवैध कब्जेदार, दर्ज कराई जाएगी FIR। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे लक्ष्य ना हासिल कर पाने वाले 53 अधिकारियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। शारदा सहायक नहर पटरी में पानी के रिसाव से मचा हड़कंप, पहुंचे अधिकारी। सीतापुर में टोकन ना लेने वाले चालक नहीं कर पाएंगे ई रिक्शा का संचालन। BSNL द्वारा सलाहकार समिति में सदस्य बनाए जाने पर सांसद पूर्व विधायक ने दी बधाई। आपस में भिड़ गए मेडिकल संचालक, डॉक्टर के चैंबर में किया हंगामा, वीडियो वायरल। सिधौली से भाजपा विधायक मनीष सावत को सौंपी गई नई जिम्मेदारी। तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से कराया मुक्त। डेलीगेट चुनाव में छानबीन के दौरान सैकड़ों पर्चे निरस्त करने का आरोप, किया हंगामा। भाजपा नेता सहित 9 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। शहर के लालबाग शहीद पार्क में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए राज्य मंत्री ने अमर शहीदों को फूलमाला अर्पित कर नमन भी किया। इस मौके पर DM अभिषेक आनंद, CDO निधि बंसल, ADM नीतीश कुमार, EO वैभव त्रिपाठी, नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी मौजूद रहे। शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में स्वच्छता सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में संवाद, निबंध, कला, पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उत्साह वर्धन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि MLC पवन सिंह चौहान, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सिधौली विधायक मनीष रावत, नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, क्षेत्रीय मंत्री आशीष कश्यप, जिला मंत्री जया सिंह, शिक्षक MLC प्रतिनिधि पंकज पांडे, DIOS राजेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य सहित शिक्षक मौजूद रहे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई और स्वच्छता पखवाड़ा रैली भी शहीद पार्क से अटल चौक तक निकाली गई। इस मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि आजादी के बाद से अब तक यह पहली सरकार है जिसने सफाई को मुख्य एजेंडे में शामिल किया है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि वैसे तो हमारा लक्ष्य पूरे नगर को स्वच्छ बनाए रखने का है, लेकिन हमें यह विशेष ध्यान देना है कि किस पॉइंट पर ट्रिगर किया जाए जिससे लक्ष्य शीघ्र प्राप्त हो। राजकीय और सुरक्षित जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं को चिन्हित कर FIR दर्ज कराई जाएगी। ऐसी सभी जमीनों से कब्जा मुक्त कराया जाना है। DM अभिषेक आनंद और SP चक्रेश मिश्रा ने फरियादियों की समस्याओं को सुनने के दौरान यह निर्देश अधिकारियों को दिए कि भू माफियाओं को कतई बख्शा ना जाए। DM SP के साथ थाना खैराबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे थे। DM ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके और आपसी सहमत से सुलझाने के निर्देश संबंधित को दिए। तहसील बिस्वा क्षेत्र में रूहसन पुल के पास शनिवार को फिर अचानक पानी के रिसाव की खबर से प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आ गए। जैसे ही नहर पटरी से पानी के रिसाव की खबर मिली, बिस्वा SDM मनीष कुमार, सिंचाई विभाग के JE कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे। पानी फैलने की सूचना वहां ग्रामीणों का भी जमावड़ा लग गया। गनीमत रही कि नहर पटरी से रिसाव नहीं हो रहा था। JE कमलेश कुमार ने बताया नहर नहीं कटी है, यह लीकेज नहीं सीपेज है। हालांकि नहर पटरी से पानी निकलने की खबर ने एक बार फिर ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों में पहले जैसा खौफ भर दिया था। बताते चले 26 अगस्त को बिस्वा महमूदाबाद के बीच रूसन पुल के पास करीब 20 फीट शारदा सहायक नहर की पटरी कट गई थी जिससे सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए थे। शहर में स्टडी वेल पब्लिक स्कूल होते हुए बस स्टेशन जाने वाली रोड के गड्ढे दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। यह सड़क मौजूदा समय में काफी जर्जर हो गई। इस रास्ते से लेकर कई स्कूलों के विद्यार्थी आते जाते हैं। शहर के विभिन्न मोहल्ले के वासिंदों का भी इधर से आना जाना रहता है, लेकिन गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़क की मरम्मत कराने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
जिला उद्योग व्यापार बंधु क्रियान्वयन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। अध्यक्षता करते हुए सीडीओ निधि बंसल ने व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, व्यापारी नेता भगवती गुप्त, संजय मिश्रा सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। शहर में चल रहे ई रिक्शा चालकों पर एक बार फिर प्रशासन की नजरें टेढ़ी है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 6 रूटों पर कोडिंग प्लान के तहत ई रिक्शा संचालन करने का खाका खींचा गया है। ऐसे में एक रूट पर लगभग 5 सैकड़ा ई रिक्शा का संचालन होगा। इसके लिए टोकन व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। जिन ई रिक्शा चालकों ने अब तक टोकन नहीं लिया वह 30 सितंबर से ई रिक्शा का संचालन नहीं कर पाएंगे। यातायात कार्यालय के मुताबिक अब तक सिर्फ 1 सैकड़ा से अधिक ई रिक्शा चालकों ने ही टोकन लिए हैं। महर्षि श्री लक्ष्मण दास उदासीन आश्रम बड़ी संगत खैराबाद में विधि विधान से आचार्य श्री चंद्र के विग्रह का पूजन हुआ। श्रद्धालुओं ने आचार्यों की समाधि पर पूजन कर आशीर्वाद लिया। महंत बजरंग मुनि दास ने विधि विधान से पूजन कराया। पूजन कार्यक्रम में महंत पूरन मुनि, गोविंद दास, शिवराम दास, विद्यादास, अनंत देव, गोपाल मुनि, रमेश मुनि, गंगा दास, आशीष दास आदि शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के मोहली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश चंद शुक्ला और वरिष्ठ सपा नेता अरुण दीक्षित मोनू को बीएसएनएल द्वारा सीतापुर की सलाहकार समिति में सदस्य नामित किया गया है। सपा नेताओं के बीएसएनएल में सलाहकार नियुक्त किए जाने पर धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, सपा के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अनूप कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, अविनाश मिश्रा, गुड्डू सहित तमाम नेताओं ने बधाई दी है। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत आम जनमानस को जागरूक किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से विद्यालयों में स्वच्छता की पाठशालाएं आयोजित की जा रही हैं। स्वच्छता प्रतियोगिता के जरिए भी जागरूकता लाई जा रही है। मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। केंद्र के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने स्वच्छता पर विचार रखे। कार्यक्रम में डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा, सचिन प्रताप तोमर आदि ने भाग लिया। मानसून की दस्तक से एक तरफ किसानों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही तो दूसरी तरफ बारिश के साथ चली हवाओं से होने वाले फसलों के नुकसान से किसान चिंता में डूब गए हैं। ब्लैक एलिया के इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में तेज हवा चलने से गन्ना और धान की फसल धराशायी हो गई है। किसानों का कहना है कि धान की फसल गिरने से दाना काला पड़ सकता है। बारिश के बाद चली तेज हवाओं ने सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाया है। चतुर्मास साधना के दौरान बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने चालारी घाट पर वरुण देवता का पूजन किया। स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ चालारी घाट पहुंचे। यहां पर श्री हनुमंत आश्रम चालारी घाट पर प्रसिद्ध संत त्यागी महाराज से भी भेंट की। इस दौरान उनके साथ पंडित राजेंद्र त्रिपाठी, शत्रुघ्न तिवारी, रोहित पांडे, विवेक मिश्रा, विमल शुक्ला, देवेश शुक्ला, कमलेश अवस्थी, ज्ञानेश पाल धनगर, हरी जायसवाल, राम नरेश राजपूत, राजेंद्र जायसवाल सहित तमाम शिष्य मौजूद रहे। कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने शनिवार को ग्राम गवहिया पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। बता दें गवहिया गांव में शुक्रवार को बारिश के दौरान एक कच्ची दीवार भर भरा कर गिर गई थी। दीवार के नीचे दबकर गवहिया निवासी महिताब की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। इस परिवार से शनिवार को कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। नगर पंचायत सिधौली क्षेत्र स्थित श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में शनिवार को स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर के शुक्ला, प्रवक्ता रमेश कुमार हीरालाल, डॉक्टर पीयूष झा, डीपी वर्मा आदि ने श्रमदान कर विद्यालय परिसर को साफ किया। नगर पंचायत ईओ रेणुका यादव ने स्वच्छता चैंपियन घोषित कर प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया। इस मौके पर डीके सिंह, माधवराम, यश कुमार राठौर मौजूद रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीतापुर जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के पिता तीर्थराज सिंह से भेंट कर हालचाल लिया। पदाधिकारियों ने तीर्थराज सिंह के घर पहुंचकर विगत दिनों शारीरिक चोट पहुंचाने की जानकारी ली। जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के मुताबिक उनके पिता की रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी। काफी दिनों तक लखनऊ में इलाज और फिर ऑपरेशन के बाद अब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पाए हैं। घर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का आना जाना लगा हुआ है। मिश्रिख के सरोजनी सियाराम बाबूराम इंटर कॉलेज कादी नगर में सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई। विद्यालय परिसर में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। प्रबंधक देवेंद्र नंद वंशी, सुनील कुमार, कपिल कुमार, अमित मौर्य, पिंकी शुक्ला, शबनम दीपक, इंजीनियर अश्विनी वर्मा, चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहे। थाना कोतवाली मिश्रिख में संपूर्ण समाधान
दिवस में महज एक शिकायत पहुंची। इस शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। नायब तहसीलदार गीश चंद SSI नयन सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। उधर तहसील मिश्रिक के लेखपालों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। धरने में शामिल होने की वजह से संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल नहीं पहुंचे। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। सेवानिवृत्त चिकित्सक एवं हिंदी जगत में अविस्मरणीय योगदान दे रहे डॉक्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान हिंदी लाओ देश बचाओ समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया। डॉक्टर के आर कल्याण रामन स्मृति सम्मान के तहत 2100 रुपए और हिंदी भाषा शिरोमणि की मानद उपाधि से भी विभूषित किया गया। सम्मान मिलने पर लखनऊ व सीतापुर के साहित्यकारों ने हर्ष व्यक्त किया है। तहसील लहरपुर क्षेत्र के मुसियाना में उचित दर दुकान के लिए फिर से खुली बैठक कर चुनाव करवाने की मांग ग्रामीणों ने की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में ग्रामीण SDM आकांक्षा गौतम से मिले और प्रार्थना पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने 25 सितंबर 2024 को हुए निर्वाचन में उन्हें भगा दिए जाने का आरोप लगाया। इस मौके पर संजय कुमार, सचिन कुमार, नीरज कुमार, परशुराम, रामजीवन, आराध्य शुक्ला, मीना देवी, फूल कुमारी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। शहर के रिजेंसी पब्लिक स्कूल रसेवरा में समारोह का आयोजन कर छात्र परिषद का गठन किया गया। मुख्य अतिथि IPS 27वीं वाणी PAC बटालियन की कमांडेंट बबीता साहू रही। समारोह में स्कूल कैप्टन हर्ष रस्तोगी, हेड गर्ल फाहिया सहनवाज को चुना गया, जबकि स्पोर्ट्स कैप्टन प्रथम गुप्ता और स्पोर्ट्स वाइस कैप्टन सौरवी जायसवाल चुनी गई। समारोह में संस्थापक MF जैदी, प्रधानाचार्य राशिदा जैदी, कार्यक्रम समन्वयक जेहनी रजवी, शिरीन मिश्रा, तान्या सिंह, अभिनव सक्सेना सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही। GIC में स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में कई स्कूल कॉलेजों के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के अर्पित गुप्ता, HP इंटर कॉलेज से रूपाली राठौर, सुमित्रा गर्ल्स इंटर कॉलेज से राधिका मिश्रा को सम्मानित किया गया। इसी तरह से देव शुक्ला, रिया शुक्ला, हर्षित मिश्रा, अली खान, दीपांशु तिवारी सहित अन्य विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया। प्रधानाचार्य अनिल कुमार, पंकज पांडे, आशीष कश्यप सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। बीते 24 घंटे से अधिक समय में हुई रुक रुक कर बारिश से शारदा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। मानपुर, मल्लापुर, लखनीपुर में खेतों का कटान होने से ग्रामीण चिंता में डूब गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 20 बीघे कृषि योग्य भूमि कटान से नदी में समा गई है, फिर भी सिंचाई विभाग द्वारा कटान रोकने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। SDO पुष्कर वर्मा ने बताया कि किसी आबादी के क्षेत्र में कटान नहीं होने दी जाएगी, लखनीपुर में बचाव कार्य कराया जाएगा। जैन समुदाय की जिनागम पंथ यात्रा रविवार की सुबह 8 बजे रामपुर मथुरा पहुंचेगी। आयोजक राजू जैन ने बताया कि विमर्शा, नुरागिनी, विशु और नगर गौरव प्रतीक्षा सहित 13 दीक्षार्थियों की गोद भराई का कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने बताया सुबह 8 बजे अगवानी के बाद दोपहर 2 बजे बैरागी, हल्दी, मेहंदी, शाम को 6 बजे बिनौली यात्रा, रात 8 बजे गोद भराई कार्यक्रम होगा। ब्लॉक बेटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुसियाना में रिक्त पड़ी उचित दर दुकान का चयन करने के लिए खुली बैठक हुई। बैठक में कन्हैया लाल के पक्ष में 747 और मोहम्मद इसरार के पक्ष में 36 लोगों ने समर्थन किया, जिसके बाद कन्हैया लाल के पक्ष में उचित दर दुकान का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में ADO पंचायत KP सिंह, रमेश कुमार, JMI अनुपम तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी ओम प्रकाश जायसवाल सहित पुलिस बल मौजूद रहा। महमूदाबाद की सीतर चिल्ड्रन एकेडमी में शनिवार को शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम विद्यार्थियों ने देशभक्त से ओतप्रोत कई प्रसंग प्रस्तुत कर भाव विभोर कर दिया। वाइस प्रिंसिपल अवनीत अवस्थी, बरखा जायसवाल, कुलदीप त्रिवेदी, सूरज दीक्षित, प्रियांशी जायसवाल, नेहा वर्मा, शिवम निगम, अंबुज कुमार मौजूद रहे। तंबार लोहरपुर मुख्य मार्ग पर बेहटा BRC के पास का इलाका एक्सीडेंट जोन में तब्दील हो रहा है। यहां पर मोड़ पे होने के कारण आए दिन हादसे होते रहे, फिर भी जिम्मेदारों द्वारा ना तो स्पीड ब्रेकर बनवाए जा रहे हैं और ना ही खतरे का संकेत लगवाया जा रहा है। बता दें शुक्रवार की शाम इस स्थान पर पिकअप की टक्कर से दीपू बाइक सवार की सांसें थम गई थी, जबकि दूसरा बबलू गंभीर रूप से घायल हुआ था। लखनऊ में इलाज के दौरान दूसरे बाइक सवार बबलू की भी सांसें थम गई।
राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के जिला कार्यालय सीतापुर में भगत सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह के चित्र पर माल्या अर्पण करके उन्हें याद किया। जिला अध्यक्ष एसके तूफानी ने कहा कि भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे। भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद आज भी युवाओं को प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, नितिन प्रकाश, अखिलेश गौतम, दुर्गेश वर्मा मौजूद रहे। थाना कमलापुर में आयोजित समाधान दिवस में कुल 6 शिकायतें आई। एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण किया गया। समाधान दिवस में एसडीएम सिधौली अनिल कुमार, नवागत सीओ कपूर कुमार ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। समाधान दिवस में एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह, राजस्व निरीक्षक सदानंद वर्मा, लेखपाल मनमोहन कटियार, पवन राय, प्रमोद सिंह, संजीव दीक्षित, एरम खातून, वर्षा जायसवाल, अशरफी लाल मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने कागजों में हेरफेर कर लोगों से ठगी करने वाले शातिर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ विश्वा सतीश शुक्ला के मुताबिक जनपद लखीमपुर खीरी के पुशही डेवड़ी निवासी श्रीराम को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। श्रीराम के पास से एक फर्जी पैन कार्ड सहित आधार कार्ड व अन्य वस्तुएं बरामद की गई है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अतुल वर्मा, कांस्टेबल गौरव सिंह, धर्मराज आकाश शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने चोरी लूट की योजना बना रहे 6 अंतर जनपदीय शातिरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला के मुताबिक बाराबंकी के हसुआपुर निवासी महेंद्र कुमार, अजीज नगर के समीप भोलापुरवा के महेश रावत, ग्राम बरगदही के कुलदीप, बड्डूपुर के ललित वर्मा और आशीष वर्मा को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम सफल रही। पुलिस टीम में महमूदाबाद के उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, शिवम सिंह, हेड कांस्टेबल राजेंद्र यादव, कांस्टेबल आशीष कुमार, सुनील मिश्रा, संजय यादव शामिल रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करियर काउंसलिंग सेशन संपन्न हुआ। करियर काउंसलिंग सेशन में काउंसलर सौरभ डे ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अपने करियर के चयन के लिए अपनी प्रतिभा और रुचि के अनुसार विषयों को चुनने का सुझाव दिया। इसमें कक्षा 7 से 10 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। सौरभ डे ने छात्रों को अनुशासन का महत्व भी बताया। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि नौजवानों को भगत सिंह से प्रेरणा लेनी चाहिए। भमौरा तिराहे पर कार्यक्रम करते हुए किसानों ने एकत्र होकर एक दूसरे को मिठाई भी बांटी। कार्यक्रम में तमाम किसानों ने भाग लिया। ब्लॉक बेहटा सभागार में नवागत खंड शिक्षा अधिकारी विभा सचान ने बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। बीओ ने कहा कि ब्लॉक बेहटा निपुण टॉप 100 में शामिल है, इसलिए सभी की जिम्मेदारी है कि पूरी मेहनत और लगन से इसको आगे बढ़ाया जाए। बैठक में वरिष्ठ एआरपी अतुल शुक्ला, विनय शुक्ला, मोहम्मद असलम, अनिल अवस्थी, सुरेंद्र राजवंशी, सत्य प्रकाश सिंह, सुशील पांडे, दयाशंकर वर्मा, विजयनाथ चौरसिया आदि मौजूद रहे। सामाजिक संस्था पेस और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बैंगलोर के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान में विचित्र तरह की गतिविधियां आयोजित कर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। संस्था लगातार रथ यात्रा, गांव भ्रमण, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर, पंपलेट आदि के जरिए ग्रामीणों को जागरूक कर रही है। शनिवार को भी ग्रामीणों की खुली बैठक के बारे में भी जानकारी दी गई। खुली बैठक क्यों जरूरी है इसे विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम में सचिन, नेहा, रिंकी, पवन, शिल्पी, कैलाश, जिला समन्वयक बीना पांडे, हरिओम वाजपेयी, ऋतिक अवस्थी, हरीश राजा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। थाना खैराबाद में डीएम अभिषेक आनंद चक्रेश मिश्रा ने फरियादियों को सुना। थाना समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर डीएम और एसपी ने अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। ब्लॉक खैराबाद सभागार में अंतर विभागीय ब्लॉक समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, मोवियस फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जानकारियां दी। वीडियो प्रतीक सिंह ने बताया, ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायतों के पंचायत भवनों पर परिवार नियोजन संबंधी बैठकें आयोजित की जाएंगी। बैठक में पीके जैन, प्रभात कुमार, आलोक शुक्ला, पूर्णिमा चौधरी, डॉक्टर शोभा सहित विभागों के पदाधिकारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर बिसुआ में आगामी 24 नवंबर को युवा अधिकार रैली निकाले जाने का निर्णय युवा सांसद ने ले लिया। रोजगार अधिकार अभियान का संयोजन रिजवान अहमद ने बताया कि जिला सेवा योजन कार्यालय में 1.5 लाख से अधिक शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं। इनमें से विगत 3 वर्षों से केवल 3,000 लोगों को ही रोजगार मिल पाया। भगत सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित युवा संसद में डॉक्टर ब्रज बिहारी, विनीत जायसवाल, शुभम रस्तोगी, अनूप कुमार, मुन्ना सिंह यादव, गोविंद सिंह, सुनीला रावत, सोबरन लाल अफजाल मौजूद रहे।
तहसील सिदौली क्षेत्र की ग्राम भवानीपुर में मिलान फाउंडेशन ने बच्चों की जन चौपाल लगाई। जन चौपाल के जरिए महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित किया गया। चौपाल में फाउंडेशन की ब्लैक कोऑर्डिनेटर शैलजा शुक्ला, लौलेश कुमार, रुचि सिंह, ममता नंदनी, प्रांशु दिवाकर, दीपक मौजूद रहे। लहरपुर के आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विद्यार्थियों के ज्ञान को परखा गया। विकसित भारत विषय पर कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में अभय वर्मा, स्मृति गौर प्रथम, लक्ष्मी मिश्रा द्वितीय, ज्योति गोस्वामी तृतीय स्थान पर रही। कार्यक्रम में विजय कुमार निगम, विनोद शुक्ला, नीता सिंह, विनीत जायसवाल, रमेश मिश्रा, शिव कुमार मिश्रा मौजूद रहे। थाना तंबौर इलाके में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर एक ट्रक ड्राइवर की सांसें थम गई। बताया जाता है सुल्तानपुर के थाना कादीपुर इलाके का रहने वाला कुलदीप यादव ट्रक लेकर तंबौर कस्बा आया था। यहां एक पेट्रोल पंप पर ट्रक खड़ा करने के बाद ऊपर चढ़कर तिरपाल सही करने लगा। इस दौरान ऊपर से गुजरी एसटी लाइन की चपेट में आ गया। गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुलदीप यादव को मृत घोषित कर दिया। कस्बा इंचार्ज अनिल दुबे ने बताया परिजनों को सूचना दे दी गई है। राजा टोडरमल स्मारक समेत राजस्व सुरक्षा सेवा दल के पदाधिकारियों ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर नमन किया। राजा टोडरमल पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष संजय पुरी, संतोष कुमार राव, डॉक्टर मनोज दीक्षित, अभय श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार शामिल हुए। सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत को सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम की संयुक्त समिति ने सदस्य मनोनीत किए जाने पर पदाधिकारियों में हर्ष व्यक्त किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, भाजपा नेता महेंद्र सिंह चौहान, आलोक त्रिपाठी, आचार्य मनीष पांडे, आदित्य त्रिपाठी, अनूप श्रीवास्तव, रिजवान अहमद, अतुल तिवारी, सोनू शुक्ला आदि ने बधाई दी है। आगामी 1 अक्टूबर से की जाने वाली धान खरीद के लिए ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में 4 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। साधन सहकारी समिति के सचिव दिलीप अवस्थी ने बताया थाना पट्टी बहरी मऊ में धान क्रय केंद्र का संचालन पीसीएफ द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भिटौली और मानपारा में पीसीओ किसानों से निर्धारित रेट पर धान की खरीद की जाएगी। 2027 में होने वाले यूपी के विधानसभा उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत का दावा भाजपा के सीतापुर जिला प्रभारी नीरज सिंह ने किया है। जिला प्रभारी नीरज सिंह का कहना है कि 2024 में सपा कांग्रेस ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया। मौजूदा समय में यूपी में हो रहे विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी। शनिवार को जिला प्रभारी नीरज सिंह आई इंडिया के स्टूडियो में पहुंचे। इस दौरान आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर से हुई खास बातचीत में कहा कि भाजपा के लिए सदस्यता अभियान हर बार वरदान साबित होता है, इसलिए 29 सितंबर को पार्टी कार्यकर्ताओं पर घर घर जाकर बीजेपी से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। आई इंडिया पर देखे सीतापुर से भाजपा की हार से लेकर सदस्यता अभियान तक दिया गया खास इंटरव्यू। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर में डेलीगेट पद के लिए दाखिल 2054 नाम निर्देशन पत्रों में 252 पत्र वैध पाए गए। निर्वाचन अधिकारी शीश कुमार गुप्ता ने बताया असफरपुर डेलीगेट पद के लिए बदलू राजकुमार द्वारा दाखिल किया नामांकन पत्र अवैध पाया गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। सीतापुर की चर्चित परसेंटी ब्लॉक की बोर्ड बैठक में उस समय माहौल बदल गया जब सीतापुर सांसद राकेश राठौर बैठक से नाराज होकर चले गए। सांसद राकेश राठौर ने कहा कि वह हाईकोर्ट जाएंगे और परसेंटी ब्लॉक का मामला सदन में भी उठाएंगे। सांसद ने बैठक में कोरम पूरा किए जाने का असंवैधानिक बताया। बता दें बोर्ड बैठक में 110 में से 53 वीडीसी पहुंचे थे। इससे पहले भी परसेंटी ब्लॉक की बोर्ड बैठक 2 बार स्थगित हो चुकी है। बोर्ड बैठक में करीब 4 करोड़ का कार्य योजना पास हुआ है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देखें। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में करीब 1 महीने से बाघ का आतंक पर्याय बना हुआ है। बाघों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें हर जतन कर रही हैं, लेकिन बाघ अभी तक वन विभाग की पकड़ से दूर है। करीब 1 महीने के अंतराल से बाघ अब तक कई मवेशियों और 5 लोगों की जान ले चुका है। शनिवार को गन्ने के खेत में पत्ती तोड़ रहे 35 वर्षीय विपिन पर हमला कर बाघ ने घायल कर दिया। गनीमत रही कि विपिन बाघ की पकड़ में नहीं आ सका। घायल विपिन का इलाज कराया जा रहा। लगातार बाघ के आतंक से ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं। सरकार भले ही मरीजों को बाहर की दवाएं न लिखने का फरमान जारी करती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अपनी मनमानी पर उतारू हैं। अब तो दवाई बिक्री को लेकर मेडिकल स्टोर संचालकों के बीच फौजदारी भी होने लगी है। ऐसा एक मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है।
यहां जिला अस्पताल के बाहर संचालित एक मेडिकल स्टोर के लिए दवाई के पर्चे लिखे जाने पर दूसरे मेडिकल स्टोर संचालक को इतना ना गुजरा कि उसने पहले तो डॉक्टर के चैंबर में घुसकर हंगामा किया, इसके बाद मेडिकल संचालक पर जमकर लाठियां भांज दी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आ इंडिया देखें। लखीमपुर खीरी गोला कोतवाली पुलिस ने दो गुमशुदा नाबालिगों की तलाश करने का दावा किया है। इन नाबालिगों की गुमशुदगी को लेकर परिजनों ने तहरीर दी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों नाबालिग घर वालों के बिना बताए गंगा स्नान करने चले गए थे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों की तलाश कर उन्हें परिजनों के सुपुर्द किया गया। थाना मैलानी में आयोजित समाधान दिवस में अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का अधिकारियों ने मौके पर निस्तारण कर दिया। दो राजस्व विभाग से जुड़े प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए। इस मौके पर क्षेत्रीय लेखपाल मौजूद रहे। लखीमपुर के निघासन क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों ने राहत सामग्री गलत व्यक्तियों को देने का आरोप लगाया है। इसे लेकर कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं। आरोप है कि ग्राम पंचायत लालपुर में बाढ़ राहत सामग्री पात्र लोगों को नहीं दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिला है जो बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए हैं। ग्रामीण पात्र लोगों को राहत सामग्री दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखीमपुर में लोकल फॉर वोकल विषय पर संवाद प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला संयोजक साइबर भाजपा सौरभ त्रिवेदी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। प्रतियोगिता में भाजपा नेता मोहित शुक्ला, प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, अनुभव पांडे, आकाश श्रीवास्तव, शिव मुनीस मिश्रा और देवानंद पांडे मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के बीआरसी केंद्र खमरिया में विज्ञान आधारित प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। छात्र रोहित महेवा, अभिजीत मिश्रा, आशीष रोशनी ने क्विज प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर मन मोह लिया। खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय ने बताया कि विजेताओं को जिला मुख्यालय पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा। इस मौके पर शिक्षक नरेंद्र कुमार, दुर्गेश पांडे, अनिल कटियार, देशराज पाल, सर्वेश जायसवाल मौजूद रहे। विकासखंड क्षेत्र निघासन की ग्राम पंचायत सिंगाही देहात में सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। इस जमीन पर किसान खेती कर रहे थे। राजस्व विभाग के मुताबिक गाटा संख्या 1039 और 1016 पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया है। इस पर ग्रामीण गन्ने की फसल उगा रहे थे। हल्का लेखपाल जगदीश कुमार के मुताबिक इस जमीन को जरूरतमंदों को आवंटित किया जाएगा। 3 दिवसीय सीबीएसई क्लस्टर चतुर्थ बास्केटबॉल टूर्नामेंट का समापन परिणाम घोषणा के साथ हुआ। अंडर 14 बालिका वर्ग में विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर विजेता रहा। दूसरे स्थान पर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल लखनऊ और अजमानी इंटरनेशनल स्कूल लखीमपुर खीरी, सेठ एमआर जयपुरिया बहराइच ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 14 बालक वर्ग में सीतापुर का विद्या ज्ञान स्कूल प्रथम पायदान पर रहा। विभिन्न प्रतियोगिताओं की विजयी टीमों को ट्रॉफी शील्ड और मेडल देकर सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी के युवराज दत्त महाविद्यालय में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विषय पर विचार गोष्ठी हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी प्राचार्य प्रोफेसर नीलम त्रिवेदी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। दर्शन शास्त्र के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर सुभाष चंद ने अपने विचार रखे। भाषण प्रतियोगिता में प्रीति गौतम प्रथम, अमित कुमार द्वितीय, अभिषेक तृतीय स्थान पर है। इस मौके पर प्रोफेसर एस के पांडे, डॉक्टर ओपी सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार, विजय प्रताप सिंह, दीपक कुमार वाजपेयी, डॉक्टर अमित कुमार मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बात करेंगे किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की। योगी सरकार ने सूबे के किसानों को दिवाली पर तोहफा दिया है। दरअसल सरकार ने धान का एमएसपी बढ़ाकर 117 रुपए कर दिया। इसके बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2320 रुपए प्रति क्विंटल किया है। सरकार ने 4000 क्रय केंद्रों के जरिए 70 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है। अन्य जनपदों के अलावा सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी में धान की खरीद 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव तंज कसने को शायद ही कोई मौका गंवाते हो। कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने अब बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि भेड़ियों की समस्या को नकारना भी एक समस्या है। उन्होंने कहा, कहानी में सुनते आए थे कि भेड़िया आया का झूठ फैलाया जाता है। अब सच में भेड़िया आ रहा है तो प्रशासन उनकी कहानी सुना रहा और कह रहा है भेड़िया नहीं आया। लक्ष्य न हासिल कर पाने वाले 53 अधिकारियों पर परिवहन आयुक्त की नजरें टेढ़ी हो गई है।
परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सितंबर महीने का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। दरअसल 53 एआरटीओ रेवेन्यू वसूली का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। गन्ना विकास समिति चुनाव को लेकर हर जगह कोई ना कोई शिकायत सामने आ रही है। यूपी के मेरठ में भी डेलीगेशन चुनाव में गहरी साजिश का आरोप लग रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने छानबीन के दौरान 400 से ज्यादा पर्चे कैंसिल होने को लेकर हंगामा किया। आरोप है कि मोहम्मदीपुर में गन्ना समिति चुनाव के लिए छानबीन के दौरान 400 से ज्यादा पर्चे कैंसिल कर दिए गए। किसानों का आरोप है कि सत्ताधारी दल चुनाव नहीं कराना चाहते, इसलिए किसानों के पर्चे कैंसिल कर दिए गए। अब बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर की। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में डेंगू के 27 और नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा मलेरिया के करीब मरीज भी मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी से अब तक डेंगू के 390 और मलेरिया के 405 मरीज मिल चुके हैं। भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है, जिसे माना जा रहा आगामी दिनों में नदियों के जलस्तर में और वृद्धि होगी। विभाग के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई सहित 30 जनपदों में भारी बारिश के साथ तेज सतही हवाएं चल सकती है। पश्चिमी यूपी में बिजली गिरने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण नियंत्रण विभाग के कार्यशैली की पोल उस समय खुल गई जब डीएम अनु सिंह ने जांच की। जिला अधिकारी की जांच में 12 ईंट भट्टे चलते पाए गए, जबकि ईंट भट्टे कागजों पर बंद थे, जिसके बाद जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को नोटिस जारी की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को नोटिस के जरिए 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद शासन के संज्ञान में लाया जाएगा। तमाम नसीहतों के बाद भी भाजपा नेता कार्यकर्ता पार्टी के निर्देशों का मान नहीं रहे हैं। पार्टी भले ही उन्हें शांत और सरल जीवन जीने के प्रति प्रेरित करती हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी नजरअंदाजी सामने आ रही है। अब जनपद बरेली के इज्जतनगर इलाके के एक भाजपा नेता सहित 9 लोगों के कारनामों से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। यहां भाजपा नेता व अन्य पर बलवा हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी भाजपा नेता और उनके दबंग भाइयों ने एक परिवार को घेर कर पीटा और नाजायज असलहे से फायर भी किया, जिसके बाद उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई। तालाब को पाट कर अवैध तरीके से अलीशान मकान बनाना सपा विधायक के लिए महंगा पड़ गया। प्रशासन सपा विधायक के आवास पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। बताया जाता है यूपी के भदोही जिले से 2 बार सपा विधायक जाहिद बेग ने तालाब को पाट कर अवैध तरीके से अलीशान मकान बना लिया। डीएम विशाल सिंह के मुताबिक सपा विधायक का आवास तालाब पर बने होने की वजह से सूचना मिली, जो अवैध है। जल्द ही मकान को जमीन दोज किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।